गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकंड ईयर के स्पेशल पेपर पेडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं पाठ्य इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में सुधार हेतु सुझाव। लेकिन इससे पहले हमारे पाठ्य पुस्तकों के मूल्यांकन के मापदंड में दो पॉइंट्स रह गए थे, तो पहले हम उन पॉइंट्स को लेंगे, मूल्यांकन के मापदंड। इसके अंतर्गत हम लोग देख चुके हैं आजकल कि पाठ्य पुस्तकों में क्या है, सजावट पुस्तक पॉइंट नंबर सात, सज्जा, फिर बाद में व्यवस्था, उसके बाद में प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण उसके बाद में है स्रोत संदर्भ, स्रोत संदर्भ और उदाहरण। यहां तक कि हम सारी बात पूर्ण कर चुके थे, मापदंड के मूल्यांकन मापदंड के हम इतने पांच पॉइंट्स को हम देख चुके थे। अब हमारा छठा पॉइंट वो है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन के लिए जिस तरह के प्रश्नों का संकलन उसमें किया गया है वो किस तरह के, इसमें हम किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, उद्देश्य आधारित, प्रश्न कैसे होने चाहिए, उद्देश्य आधारित होने चाहिए कि क्या प्रश्न उद्देश्यों को की प्राप्ति का पता लगा पा रहे हैं या नहीं लगा पा रहे, क्योंकि हमारा शिक्षण कार्य उद्देश्य आधारित होता है, तो उद्देश्य का उद्देश्य प्राप्त हमारा लक्ष्य होता है, तो क्या हमारे जो प्रश्न है क्या इन उद्देश्यों की प्राप्ति में जो प्रश्न हम ऐसे बनाते हैं कि जो कुछ भी शिक्षण कार्य किया है वो हमने एक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किया है, तो क्या वो उद्देश्य प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ, प्रश्न इस तरह। दूसरी बात इसके अंतर्गत है पाठ्य वस्तु के उपयोग, पाठ्य वस्तु आधार क्या जो हमारे प्रश्न लिए गए हैं वो पाठ्य वस्तु से संबंधित ही है या अन्य कहीं से उठाए गए, अगर कहीं अन्य से उठाए गए हैं तो निश्चित है कि जो हमने पढ़ाया है पालक उसी के बारे में जवाब देगा। हाँ, अगर उसके पूर्व ज्ञान पर आधारित है तो निश्चित है कि वो उससे संबंधित जवाब दे देगा, लेकिन अगर बिल्कुल ऐसी विषय वस्तु ऐसा प्रश्न उसमें डाल दिया गया जिसकी बालक को पूर्ण जानकारी नहीं है तो निश्चित है बालक उसका जवाब नहीं दे पाएगा, और हम जो मूल्यांकन करके और बालक के उद्देश्यों की प्राप्ति का पता लगाना चाहते हैं वो संभव नहीं होगा। अगली बात इसके अंतर्गत है वो है प्रश्नों का प्रकार, प्रश्न प्रकार, यानी कि प्रश्नों का प्रकार कैसा है, अधिकांश खाली वस्तुनिष्ठ प्रश्न है या खाली निबंधात्मक प्रश्न है, उनमें कोई विभिन्नता है या नहीं है, इस चीज को भी देखा जाता है, क्योंकि जब हम एक मूल्यांकन की दृष्टि से बात करते हैं तो विविधता होनी अनिवार्य है, क्योंकि इसमें भी रोचकता आनी बहुत जरूरी है, अगर वो भी रोचक अवस्था रोचक रूप नहीं लेंगे लिए हुए होंगे तो बालक को मूल्यांकन मुझे लगे नहीं, इसीलिए उसे हल्का फुल्का
लेखन क्षमता के स्तर का भी पता लगाना होता है। निबंधात्मक प्रश्नों की जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से बालक की लेखन क्षमता भाषात्मक ज्ञान की जानकारी हमें हो पाती है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से हम बालक के बौद्धिक ज्ञान की पता लगा सकते हैं कि जो कुछ भी है उसने बालक ने कितना सीखा और समझा है। अगली बात इसमें आती है वो है विश्वसनीयता। विश्वास प्रश्नों में विश्वसनीयता होनी बहुत अनिवार्य है क्योंकि हर किसी को उनके सत्य होने से संबंधित होना चाहिए, यानी कि उसको एक विश्वसनीय सूचनाओं को एकत्रित करने में सक्षम हो। दूसरी बात अगली बात जो है वैधता। वैध होने जरूरी है क्योंकि अगर वो वैध नहीं है यानी कि वो पालक के स्तर उनके निश्चित परिणाम प्राप्त करने वाले यानी कि वो एक वैधता के गुणों को लेकर नहीं है तो वो सही सटीक मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सटीक मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि उनमें विश्वसनीयता और वैधता का होना अनिवार्य है। अंतिम बात आती है प्रयोगात्मक वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता यानी कि प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत लंबे लंबे प्रश्न हैं जिनके बारे में बालक उनको समझ नहीं पा रहा है या ऐसे जिनमें कि बालक बहुत शीघ्रता से उसको समझकर छोटे छोटे उसके उसमें रूप में अपने उत्तरों को वो दे सके। इसीलिए वस्तुनिष्ठता क्योंकि अगर एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बात कीजिए वो बालक के वास्तविक बौद्धिक ज्ञान का पता लगाने में सक्षम होते हैं। निबंधात्मक प्रश्न उसकी लेखन क्षमता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं या भाषात्मक ज्ञान कितना है या लेखन क्षमता कैसी है इसका पता लगाया जा सकता है। इसीलिए वस्तुनिष्ठता का होना भी अनिवार्य और अंत में है प्रयोगात्मक। निश्चित है कि प्रयोगात्मकता प्रयोग नहीं होगा तो बालक के लिए उसमें कोई रोचकता नहीं होगी। अब आप कहेंगे कि इतिहास में प्रयोगात्मक कैसे होगा तो इतिहास के अंदर निश्चित है कि आप समय रेखा बनवा सकते हैं, मानचित्र पढ़ने के लिए बालकों को दे सकते हैं या कोई चार्ट है वर्गीकरण है ऐसे उसे सूची बनाने को बालक को दे सकते हैं। अर्थात कि लिखित से अलग हट कर कुछ क्रिएटिव करने की जो संभावनाएँ हैं वो सब संभावनाएँ उनका उपयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन के बाद इसके बाद छठी बात के अंतिम बात जो आती है वो आती है निर्देश। निर्देशन परिशिष्ट और अनुक्रिया। निर्देशन परिशिष्ट परिशिष्ट और एवं अनुक्रिया अनुक्रमादि। ठीक है ना। अब जो सातवीं बात है इसका मूल्यांकन का जो अगला पॉइंट है वो निर्देशन है। अगर हम इसको अलग शाब्दिक दृष्टि से देखें तो निर्देशन यानी कि उसमें स्पष्ट निर्देशक होने चाहिए कि कहाँ पर कौन सा उद्देश्य होगा, किस उद्देश्यों को लेकर ये पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है, उसके अंदर कौन सी गतिविधि किस तरह से आयोजित करवाई जा सकती है, उससे संबंधित कहाँ पे किस चीज़ को लेने का क्या उद्देश्य है, कौन से पृष्ठ पर कौन सी मतलब कि उसकी पूरी जानकारी एक जो हर चीज़ की जो हम आवश्यक निर्देश हैं उसका वहाँ पर संकलन होना चाहिए। फिर परिशिष्ट यानी कि उसके बारे में एक पूर्ण और अनुप्रमाणी का यानी कि पूरी उसके पीछे जो उनकी शब्दावली है या कहना चाहिए टेक्निकल वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो उसके अंदर दिया जाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता यानी कि यहाँ पर बिल्कुल व्यवहारिक रूप में दिया जाना चाहिए जिससे कि बालक को पढ़ते ही उनके बारे में जैसे निर्देश पढ़ रहा है तो उसको वो चीज़ लगे कि हाँ ये मेरे इस
इनसे मैं परिचित हूँ, इसके बारे में मुझे कोई कठिनाई नहीं आएगी, मैं स्वयं इसको आसानी से समझ पढ़ सकता हूँ। यानी कि ये मेरे जीवन के आसपास या मेरे अनुभवों के आसपास ही है, मेरे अनुभवों पर ही आधारित है, इसीलिए मैं इस कार्य को सहजता से कर सकता हूँ। अगला प्रश्न है व्यवस्थापन। व्यवस्थापन का होना है उसमें एकदम व्यवस्थित होना चाहिए, फिर पूर्णता, हर चीज उसमें पूर्ण, जो भी सूचना दी गई है वो पूर्ण होनी चाहिए, अधूरी सूचना नहीं होनी चाहिए, और महत्व, हर चीज का अपना महत्व है, यानी कि उसके महत्व को भी प्रदर्शित करता हो। तो मापदंड मूल्यांकन के हमने इन सात पॉइंट्स के देखा, जिनके आधार पर हम एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के का मूल्यांकन कर सकते हैं या उसके चुनाव से पहले, क्योंकि हमें मूल्यांकन करना बिना मूल्यांकन के हम किसी भी पाठ्य पुस्तक का चुनाव नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आवश्यक है कि हम पहले उसके बारे में मूल्यांकन करें। अब हम आज के हमारे टॉपिक पर आते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में सुधार के सुझाव, ठीक है ना। सुझावों की जहाँ तक बात आती है, क्योंकि वर्तमान में ये स्पष्ट है कि हमने देखा कि वर्तमान पाठ्य पुस्तकों की आलोचना पर जब समीक्षा की थी, तो उसमें हमने इस बात को देखा था कि पाठ्य पुस्तकों में सबसे बड़ी समस्या कौन कौन सी आती है। पहले तो अनुभवहीन लेखकों लेखकों द्वारा लिखी जाती है, दूसरी चीज इसमें पाठ्य पुस्तक का चुनाव करने में भी या यूँ कहा जाए कि व्यक्तिवादिता का तो आ जाता है, या अपने लाभ को ध्यान में रखकर पक्षपातपूर्ण व्यवस्थाएँ होती हैं, जिसकी वजह से सही पाठ्य पुस्तक का चुनाव नहीं हो पाता या नहीं लिखी जा सकती। इसीलिए पाठ्य पुस्तक के जो है पुस्तकों में सुधार, क्योंकि सुधार अगर कर लिया जाएगा तो फिर ये जो चुनाव की जो समस्याएं हैं उनको आसानी से समाधान किया जा सकता है। तो इसके चुनाव में सबसे पहली बात जो आती है वो है राज्य सरकार के निर्देशानुसार चुनाव, यानी कि पाठ्य पुस्तक का चुनाव जब किया जाए तो राज्य सरकार के जो निर्देश दिए गए हैं, यानी कि उसकी पूरी एक निर्देश सूची होती है, उस सूची में जितने भी मापदंड दिए गए हैं उन मापदंडों पर वह खरी उतरनी चाहिए, उसी के आधार पर उनका चुनाव किया जाना चाहिए। अर्थात कि राज्य सरकार निश्चित है कि किसी भी चीज के चुनाव के लिए एक निश्चित मापदंड या उसकी सूची प्रकाशित करते हैं या जारी करते हैं, उसी के अनुसार हमें इसका चुनाव करना चाहिए। दूसरी बात है बिचौलियों को हटाया जाए, बिचौलियों आपको बता देना है, बिचौलियों का वहां पर कोई स्थान नहीं।
अभी बात यहाँ पर आती है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है एक से अधिक सही संदेश समाज में बालकों तक जाना चाहिए
वह हम तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए पाठ्य पुस्तकों का चुनाव जो है, परिवर्तन जो है, वो 3 साल से पहले नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का, अच्छी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन सरकार को स्वयं करना चाहिए। अच्छी पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन सरकार को स्वयं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि जो प्रकाशक होते हैं वो अपने आर्थिक लाभ को भी ध्यान में रखकर ही पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। और कई बार ऐसी स्थिति देखने में आती है कि कहीं एक अच्छे राइटर, अच्छे लेखक की पाठ्य पुस्तक से उसे कोई अधिक आर्थिक लाभ दिखाई नहीं दे रहा है, या फिर उस राइटर से उसकी किसी बात को लेकर खींचातान हो गई है, किसी बात का तनाव आपस में आ गया, कोई विवाद उत्पन्न हो गया है। तो ऐसे में प्रकाशक उससे अपने को कहना चाहिए कि उसकी पाठ्य पुस्तक को प्रकाशित करने से बचता है। तो ऐसे में समाज, जनता या आम बालक जो होता है वो एक अच्छे शिक्षक की, अच्छे प्रकाशक, अच्छे लेखक की पुस्तक पढ़ने से वंचित रह जाता है। इसीलिए ऐसे अच्छे लेखकों की जो बढ़िया पुस्तकें होंगी, अच्छी पुस्तकें होती हैं, उनका प्रकाशन सरकार को स्वयं करना चाहिए। ये एक सुझाव है। अगली बात यहाँ पर आती है, अनुसंधान किए जाने चाहिए। अनुसंधान किए जाए क्योंकि समय समय पर सुधार के लिए उसके बारे में जानकारी का होना बहुत अनिवार्य है कि क्या सुधार किए जा सकते हैं। अगर ये सुझाव हमारे पास नहीं है तो हम किसी भी प्रकार का बदलाव करने की या उसमें सुधार करने की हमें पता नहीं चलेगी। इसीलिए एक समय समय पर जो निरंतर चली आ रही पाठ्य वस्तु विषय वस्तु उसमें और अधिक विकासात्मक दृष्टि से भी उसमें अनुसंधान किए जाने चाहिए। अगली बात इसी के अंदर आती है, अनुसंधान के लिए केंद्रीय अनुसंधान मंडल। केंद्रीय अनुसंधान, केंद्रीय अनुसंधान मंडल जिसे अब कहा जाता है पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग, जिसे अब अभी किस नाम से जाना जाता है, पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग। पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो केंद्रीय अनुसंधान मंडल के नाम से एक संगठन था जिसको भी अब पाठ्यक्रम एवं मूल्यांकन विभाग के नाम से जाना जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के अनुसंधानों के आयोजन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और यहीं पर एक बात और है कि अनुसंधानों को अनुसंधान के लिए अनुदान अनुदान द्वारा प्रोत्साहन और समय इंसान फिर भी एडजस्ट कर देता है, लेकिन धन की जहाँ व्यय की बात आती है तो अगर आपके पास आर्थिक संसाधन उपलब्ध हैं तो ही आप व्यय कर पाएंगे, अन्यथा उस कार्य को आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इसीलिए
अनुसंधान के लिए सरकार को अनुदान देना चाहिए जिससे कि अनुसंधान किए जा सके और पाठ्य पुस्तकों के विकास में या उनके स्तर को गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए प्रयास या अनुसंधान किए जा सके। अगली बात इसमें है नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं दो तीन को हम चलिए इसको हम समझ ही लेते हैं। पहले इसमें अभी बात है सहायक सामग्री, सहायक सामग्री किस तरह की है इस पर भी ध्यान दिया जाए, उसमें उचित प्रकार की सहायक सामग्री का संकलन होना चाहिए। फिर कुछ स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के प्रकाशकों को प्रोत्साहन, प्रकाशकों को प्रोत्साहन इसके लिए जरूरी है कि जैसे कहीं किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश में एक बहुत अच्छी पुस्तक प्रकाशित हुई है, उस पुस्तक का एक जो गुणवत्ता है वो बहुत उच्च स्तर की है, तो वो प्रकाशकों को सामने रखकर और उन्हें वैसी ही पुस्तकों को प्रकाशित करने का प्रोत्साहित किया जाए और मूल्य निर्धारण सरकार, यानी कि सरकार को भी पाठ्य पुस्तक का मूल्य निर्धारित करना चाहिए। यहाँ पर आकर हमारी ये कंप्लीट यूनिट खत्म होती है जिसके अंतर्गत हमने पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या का मूल आधार पाठ्य पुस्तक के बारे में अध्ययन किया। हमारा आज का प्रश्न है, आज हम दो प्रश्न करेंगे। पहला है इतिहास पाठ्य पुस्तक मूल्यांकन के मापदंडों को की सूची बनाइए और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि इतिहास पुस्तक में सुधार है तो सुझाव दी। आज ये प्रश्न करने, ये वाला प्रश्न हमने पिछली बार उसमें नहीं दिया था क्योंकि टॉपिक पूरा नहीं था। आज हमारी आज ये यूनिट यहाँ पर खत्म होती है, कल हम नेक्स्ट यूनिट को पकड़ेंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी का अपने का आपको सुरक्षित रखें, बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।